प्रिंसिपल के तानाशाही रवैये को लेकर आज जदयू छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और सड़कों पर उतरकर नारेबाजी भी की गई। जदयू छात्र के नेताओं का कहना था कि प्रिंसिपल के द्वारा अपने परिजनों को कॉलेज में नौकरी पर रखा जा रहा है। यही नहीं, कॉलेज परिसर में अवैध रूप से दुकानें भी खुलवा दी गई है, जिससे कि छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे प्रिंसिपल तानाशाह प्रिंसिपल जो अपने परिवार के नाम पे बेटे दो बहू के नाम पे पैसे लेते थे, और जब लोग हम लोग उसका विरोध किए तो हम लोग के नाम पे फरमान निकाल दी कि ये लोग कॉलेज में नहीं आ सकते हैं। वो फरमान हमारे पास, हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि आपको जो करना कर लो, हम देख लेंगे, आप जितना ऊपर जा सकते जाइए, हम लोग आपको देख लेंगे। तो हम लोग कहे ठीक है, हम लोग इसके लिए हम लोग ये आवाज उठाने का काम किया। देखिए फरमान है कि 7 लड़कों के नाम पे आवेदन निकाल दी कि आपको बिना किसी रीजन के उक्त व्यक्ति महाविद्यालय कैंपस में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? ये झंडा गिर गया, उठा लीजिए, समझे? क्यों नहीं आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते कैंपस में? अगर हम लोग गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आप कैंपस मंच से रोक दीजिएगा। हम इसका कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बाकी हमारे छात्र, उन लोग को कॉलेज मानने से कैसे रोक दीजिएगा आप? किसी का कॉलेज किसी का नहीं है, कॉलेज सरकारी संस्थान है, हम लोग कोई भी आ सकते हैं। हम इस कॉलेज के अनुमोदित स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग नहीं बोल सकते। पीसी महोदय को जब आवेदन देने गया तो बोलते हैं भ्रष्टाचारी के, तुम नहीं बोल सकते, कोई कर्मचारी बोलेगा तो हम लोग का अधिकार नहीं है। पैसा हम लोग का, छात्र के बदौलत ही कॉलेज चलता है। छात्र नहीं रहेगा तो कॉलेज चलेगा? छात्र है तो प्रिंसिपल है, कुलपति है, शिक्षा मंत्री, सारा कोई है, और कहते हैं कि आप लोग का कोई अधिकार नहीं। इसलिए हम लोग अपने मांग को लेकर रोक पुत्र हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ।